कि सारे देश में राजस्थान नंबर वन के रूप में जाना जाएगा, केवल ए से मुख्यमंत्री का नाम होने से नंबर वन नहीं हो जाता। बीजेपी अपने वादों पर कितना खरी उतर सकेगी? बीजेपी तो अपने वादों पर उतनी खरी उतरी है कि दुनिया में कोई खरा ही नहीं उतरा, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास तो इस तरह का है कि इनके नेता महिला अत्याचारों से भरे पड़े हैं, और वो दो नंबर का बटन आएगा, वहाँ कमल का निशान होगा, इधर होगा टप, उधर होगा ठप। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं राजस्थान चौक। सिविल लाइन विधानसभा सीट जो है हमेशा से हॉट सीट बनी हुई है, और आज हमारे साथ मौजूद है गोपाल शर्मा जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं सिविल लाइन से। आज हम बातचीत करते हैं उनसे। सबसे पहले तो गोपाल जी, कल ही मैनिफेस्टो जारी किया है बीजेपी ने, क्या कुछ कहना है? देखिए, बीजेपी ने मैनिफेस्टो क्या संकल्प पत्र जारी किया है, और उन्हीं संकल्पों के आधार पर राजस्थान की तकदीर इस तरह बदलेगी कि सारे देश में राजस्थान नंबर वन के रूप में जाना जाएगा, न कि इस बात के लिए कि भ्रष्टाचार में, महिला अपराध में और बेरोजगारी में राजस्थान वन है। केवल ए से मुख्यमंत्री का नाम होने से नंबर वन नहीं हो जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और भाजपा के संकल्प पत्र में वही वादा है। बीजेपी अपने वादों पर कितना खरी उतर सकेगी इस बार? बीजेपी तो अपने वादों पर उतनी खरी उतरी है कि दुनिया में कोई खरा ही नहीं उतरा। धारा 370 हटाने की बात करते थे, हट गया। हम राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने की बात करते थे, वो हो गई। 3 तलाक हटाने की बात करते थे, वो हो गया। और अब समान नागरिक संहिता लागू होगी, और 33% महिला आरक्षण का हो गया। तो भाजपा वादा नहीं करती, भाजपा अपने कर्तव्य को याद करती है और भारत माता का स्मरण करती है, और उसको पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देती है। आपकी विधानसभा क्षेत्र के बारे में अगर बात की जाए सिविल लाइन्स की, तो क्या कुछ वादे आपने क्षेत्र के लिए किए, अपने क्षेत्रवासियों के लिए किए? क्षेत्रवासियों के लिए किए हैं कि अब भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में होगी, और आपको अहंकार नहीं मिलेगा, विनम्रता मिलेगी, आपको अराजकता नहीं मिलेगी, कानून व्यवस्था का शासन मिलेगा, आपको ऐसा विधानसभा क्षेत्र मिलेगा जो राजस्थान की राजधानी का राजधानी विधानसभा क्षेत्र होने के कारण विकास के मामले में, जनता को न्याय दिलाने के मामले में सबसे आगे होगा, और लोगों को खुशी महसूस होगी। महिला सुरक्षा, महिला बेटियों के साथ सुरक्षा के लिए क्या कुछ बड़े कदम उठाए जा सकेंगे? क्योंकि अभी हाल ही में अगर दौसा के केस की बात की जाए तो वहाँ पर 4 साल की बच्ची के साथ जो है पुलिसकर्मी ने ही दुष्कर्म किया था, क्या कुछ कहना है उसके ऊपर, और साथ ही महिला सशक्तिकरण के ऊपर क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे? देखिए, अपन एक घटना को याद करेंगे तो दिल में दर्द होता है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास तो इस तरह का है कि इनके नेता महिला अत्याचारों से भरे पड़े हैं, लोग जेलों में रहे हैं, लोगों ने इतने अपराध किए हैं कि महिलाओं को जलाकर, उनकी हड्डियों को राख करके और पानी में फेंकने तक का काम हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी तो मानती है कि यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। निर्मला सीतारमण जी हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, कितनी बड़ी बात है। अब प्रश्न ले लेते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र से जुड़े, कि आपके सामने जो है प्रताप सिंह खाचरियावास खड़े हैं, क्या कुछ कहना है आपको उनको? उनके बारे में क्या कहा जाए, कुछ कहना अनुचित होगा, क्योंकि लंबा जिनका इतिहास रहा हो उनको एक दो लाइन में नहीं समेटा जा सकता, और समेटने का काम तो जनता खुद ही कर देगी, सिर्फ अंगुली आगे बढ़ा करके हाथ को, अंगुली को थोड़ा नीचे करेगी, और वो दो नंबर का बटन आएगा, वहाँ कमल का निशान होगा, इधर होगा टप, उधर होगा ठप। कांग्रेस आरोप लगाती है कि जो बीजेपी है वो राम के नाम पे वोट बटोर लेती है, क्या कहना है आपका? नहीं, राम के नाम पर बटोर लेती है तो इसमें गलत क्या है? रावण के नाम पर तो नहीं बटोर रही है, हम चीन के नाम पर तो नहीं बटोर रहे हैं। जब भारत परेशानी के अंदर हो और चीन से विवाद चल रहा हो तो हम मीटिंगें तो नहीं कर रहे हैं जाकर के दूतावासों के अंदर? तो ये क्या बात हुई? राम की धरती पर राम को नहीं याद करेंगे तो किसको याद करेंगे? और सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च पीठ ने यह व्यवस्था दी हुई है
कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, आदर्श जीवन पद्धति है। तो अगर हम उस आदर्श जीवन पद्धति को नहीं स्वीकार करेंगे तो क्या उनको करेंगे कि जिनके यहाँ महिलाएं सिर उठा के नहीं देख सकती? आपके सामने खड़े प्रताप सिंह खाचरियावास ने कुछ ही दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें साफ तौर पर ये कहा था कि बीजेपी वोट के लिए दंगे फसाद करवाती है, युवाओं को भेजती है और गौ रक्षक जो है उनके साथ भी गलत करती है। क्या कहना है आपका? हाँ, वो सही कर रहे हैं, वो खुद बीजेपी में रहे हुए हैं और बीजेपी में थे तब तो उनके लिए कोई बात आई नहीं थी, फिर कांग्रेस में चले गए, थोड़ी याददाश्त इधर उधर हो गई होगी, कोई खास बात नहीं है। आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, पत्रकारों के लिए क्या कुछ बड़े कदम उठाएं? मैंने एक वादा किया है सभी पत्रकारों के सामने कि राजस्थान के पत्रकार जो कम से कम सीधे जुड़े हुए हैं उनके स्वाभिमान को कोई आहत नहीं कर सकेगा, चाहे जान चली जाए इसके लिए, और ये होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ गोपाल शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से जो है चुनाव लड़े जाएंगे और साथ में क्या कुछ वादे जो अपने क्षेत्र के लिए उन्होंने किए हैं वो भी साफ जनता को बताए हैं। ये हैं बीजेपी प्रत्याशी जो कि सिविल लाइन से चुनाव लड़ रहे हैं, इनके सामने जो है प्रताप सिंह खाचरियावास खड़े हैं। अब आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है, देखने वाली बात होगी कि ये कितने खड़े उतरेंगे अपने फैसलों पर और साथ ही इनके सामने वाले जो प्रत्याशी हैं उसके सामने क्या कुछ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, इजाजत दीजिए, नमस्कार।